नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। अब तक आपने देखा कि किस तरह से विदर्भ के लोगों के साथ छल कपट किया गया। न सिर्फ विदर्भ के युवाओं से रोजगार के अवसर छीने गए, बल्कि विदर्भ का राजनीतिक परिदृश्य बदलने की साजिश भी की गई। और रही बात विदर्भ के अन्नदाता की, तो वो आज भी आत्महत्या करने को मजबूर है। अब सवाल ये है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर रब्बानी इस मामले पर क्या कहते हैं। नहीं, दोष, सबसे पहला दोष तो जो सत्ताधारी पक्ष है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपने कहा ही है तो आप सुन लीजिए कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये हमारे तकलीफ, हमारे मुद्दे, हमारे मसाइल को, हमारी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर कान नहीं धरते, हमारी सुनते नहीं। इन्होंने वादा किया कि कर देंगे, लेकिन कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने भुवनेश्वर सेशन के अंदर प्लेनरी सेशन में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो विदर्भ को अलग कर देंगे। इस मुद्दे को लेके विदर्भ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को चुन के दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारी बात ही नहीं सुनते। तो हम कहना ये चाहते हैं कि इस लेवल पे सियासत मत कीजिए। हम भारत के ही रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं। हमारा भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसको हट मत कीजिए और हमारी बात सुन के इस राज्य को अलग कीजिए। डॉक्टर रब्बानी के लव साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई और, सभी ने विदर्भ आंदोलन के नाम पर हमारे साथ धोखा ही किया है। इन हालातों में डॉक्टर रब्बानी को आज भी महान विदर्भवादी नेता और विदर्भ का शेर कहे जाने स्वर्गीय जांबुवंतराव धोटे की याद आती है। डॉक्टर रब्बानी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पृथक विदर्भ राज्य हमसे चंद दूरी पर ही था, लेकिन मुंबई और दिल्ली में बैठे नेताओं के सियासी खेल और षड्यंत्र ने विदर्भ आंदोलन को दबा दिया। एक और बात इसमें, एक और पेच है कि इससे पहले जब जामंत्रा धोटे थे, तो जमाने में हमारा मूवमेंट, हमारा जिसे कहना चाहिए कि आंदोलन, इस कदर मजबूत और ताकतवर हो गया था कि हम ये देख रहे थे कि बस हम थोड़ी दूर हैं विदर्भ अलग होने से। लेकिन फिर उसमें एक ऐसी सियासत हुई कि विदर्भराव धोटे को भी धोखा दिया गया और उनको इधर उधर उलझा दिया गया, तो वो मूवमेंट थोड़ा ठंडा हो गया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि विदर्भ की जनता को उसका स्वतंत्र विदर्भ राज्य कभी नहीं मिलेगा, या फिर विदर्भ आंदोलन हमेशा के लिए ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जाने के लिए देखते रहिए देशोन्नति की ये खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।